राइट तेलंगाना वक्फ बोर्ड के जो मुलाजमीन हैं बोर्ड के, सरकारी मुलाजमीन और आउटसोर्सिंग के मुलाजमीन को भी कई तकलीफात है। कई बार हम लोग तेलंगाना एजुकेशन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से कंप्लेंट भी किए। सलीम साहब जो तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो भी कई मसाइल को हल करने की कोशिश करें, कई मसाइल हल करें और कई मसाइल बाकी हैं। तो पिछले 2 महीने पहले जब मैं KTR साहब से मिला था, तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 27 महकमों की शिकायत किया था मैं, तो KTR साहब खुद अपने लेटर हेड में जो भी हमारी तकलीफ थी वो रिकमेंडेशन किए थे। तो 20 सरकारी दफ्तर में काम मुकम्मल हो गए, अभी 7 पेंडिंग है जिसमें वक्फ बोर्ड भी एक है। वक्फ बोर्ड के मसाइल 2015 की अभी तक PRC नहीं मिली, 2021 की भी PRC नहीं मिली। हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब की हिदायत थी कि तेलंगाना की हुकूमत में कोई सरकारी मुलाजमीन, कोई आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई परेशान नहीं होना, तेलंगाना सरकार सबका ख्याल रखता बोल के साहब पहले से भी बोलते आए और जो बोले वो अब तक हो गया। मगर वक्फ बोर्ड में काफ़ी तकलीफात है। मैं आपके ज़रिए से सलीम साहब को और वक्फ बोर्ड के CEO साहब को भी अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, कल सलीम साहब मीटिंग के लिए बुलाए इंशाल्लाह।